गुड मॉर्निंग। देखिए फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालते हैं तो उसमें इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का बहुत रोल है। सो शुरू में कुछ इजी इनइक्वालिटीज लेते हैं और इस वीडियो में कंप्लीट इनइक्वालिटीज को कवर करेंगे। आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिए और समझिए, इसमें ये आपके डोमेन और रेंज निकालने में बहुत हेल्पफुल है। देखिए If A, B, C, A, comma, B, comma, C are the real numbers, ये real number है, such that A is greater than B and B is greater than C. जैसे मान लो 3 is greater than क्या है 2 and 2 is greater than क्या 1. This implies 3 is greater than. Simple वही बात है, general सी बात है. Similarly इसको more generalize कर दे हम, A1, A2, An, An minus 1, An. These are the real numbers such that A1 A2 से बड़ा है, A2 A3 से बड़ा है, An minus 1 An से बड़ा है, तो फर्स्ट बड़ा लास्ट वाले से बड़ा। Similarly, A and B are the real numbers, then A greater than B. A greater than B implies दोनों तरफ अगर C कोई real number add कर देते हैं तो inequality same रहेगी, बताया था आपको, और कोई नंबर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, अगर ए इज लेस देन बी है तो ए प्लस सी विल आल्सो बी लेस देन बी प्लस सी, ये इनइक्वालिटी एज इट इज होल्ड करेगी। इफ ए बी आर द रियल नंबर्स देन ए ग्रेटर देन बी, तो अगर सी किसी पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं, सी ग्रेटर देन जीरो है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और सी से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। दिस इज इनइक्वालिटी। एंड ए ग्रेटर देन बी है बट सी जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो लेस देन जीरो है, मींस नेगेटिव है, तो ए आपका ग्रेटर देन बी है तो इनइक्वालिटी यहां पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी लेस नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, लेस है। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। सिमिलरली जैसे देखिए आपका 3 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो 3 अपॉन माइनस 1 विल बी लेस देन 3 2 अपॉन माइनस 1, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। सिमिलर देखिए इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन जीरो एंड वन ए ग्रेटर देन, जैसे थ्री ग्रेटर देन टू है तो आपका वन बाई थ्री विल बी लेस देन वन बाई टू, मीन्स इनका रेसिप्रोकल करेंगे, इनके पॉजिटिव नंबर है रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 3 greater than 2 था, 1 by 3 less than क्या आ रहा, 1 by 2 आ रहा। Similarly, अगर ये negative है, negative means, जैसे minus 3 is greater than minus 4, तो minus 1 upon 3 will be greater than minus 1 upon 4. This is, ये कितना, ये क्या लेगा, less than. Minus से इसका reciprocal लिया है, तो क्या आ जाएगा, आपका inequality change. दोनों positive है, या दोनों नेगेटिव है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। इसमें भी ये क्या था, माइनस थ्री इज ग्रेटर देन, ये है क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, दिस इज माइनस पॉइंट थ्री थ्री आएगा एंड इसकी माइनस पॉइंट टू फाइव आएगा, तो कौन सा, दिस इज लेस देन एंड दिस इज ग्रेटर, माइनस पॉइंट टू फाइव ग्रेटर। सिमिलरली ए वन इज ग्रेटर देन बी वन, ए टू इज ग्रेटर देन बी टू, ये एंड ए एन इज ग्रेटर देन बी एन, मीन्स ए वन अलग सेट है, ए वन ए टू ए एन अलग सेट है, बी वन बी टू बी एन अलग सेट है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ए वन ग्रेटर देन बी वन है, ए टू ग्रेटर देन बी टू है, ए एन ग्रेटर देन बी एन है, तो ए वालों को जोड़ेंगे इनका सम भी क्या होगा, ग्रेटर देन बी की जो बी के जो एलिमेंट है उनके सम से ग्रेटर होगा। If A1, A2, An and B1, B2, Bn are positive real numbers, these are positive real numbers and A1 is greater than B1 है, A2 is greater than B2 है, An is greater than Bn है,
देन क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे इन केस ये पॉजिटिव है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा आपका a1 a2 an का मल्टीप्लीकेशन विल बी ग्रेटर देन b1 b2 b3 bn का मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली ए बी सी आर द पॉजिटिव रियल सच दैट ए इज लेस देन बी एंड एन इज एनी पॉजिटिव रियल, रैशनल और इरेशनल। ए ग्रेटर देन ए इज लेस देन बी है आपका, ए इज लेस देन बी है। ए रेज टू पावर एन विल बी लेस देन बी रेज टू पावर एन। अगर पावर को नेगेटिव कर दें, ए रेज टू पावर माइनस एन विल बी ग्रेटर देन बी रेज टू पावर माइनस। जैसे देखिए आपके पास 2 इज लेस देन 3 है एंड 2 रेज टू पावर 4 करें विल बी लेस देन 3 रेज टू पावर 4। पॉजिटिव पावर रखी एज इट इज इनक्वालिटी आ गई, लेकिन आप क्या करेंगे 2 रेज टू पावर माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर माइनस 2। ये क्या हो गया 1/4 हो गया एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 1/9। दिस इज पॉइंट, दिस इज 0.25 एंड दिस इज 0.1 समथिंग। मीन्स नेगेटिव पावर लगाएंगे तो आपका क्या होगा इनइक्वालिटी, पहले लेस देन थी अब क्या हो जाएगा ग्रेटर। अगर 1/nth रूट लेते हैं तो भी इनइक्वालिटी क्या रहेगी, जो ए और बी के अंदर रिलेशन था ए इज लेस देन बी है तो 1/nth पावर लेंगे तो भी ये क्या होगा आपका b रेज टू पावर 1/n से लेस होगा। अब नेक्स्ट देखिए a1 a जो है लेस देन 1 है, a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन क्या है 0 एंड n कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है देन a रेज टू पावर n। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू आपने 1/2 ले लिया तो 1/2 जो है लेस देन 1 है ग्रेटर देन 0 है। अब इसकी कोई पावर लेंगे हम जैसे 1/8 लेंगे 1/2 रेज टू पावर 3 लिया, दिस इज कितना 1/8, ये भी क्या है आपका लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 0 है। मींस पॉजिटिव रहेगी बट लेस देन क्या रहेगा 1। अगर इसकी नेगेटिव पावर लगा देते हैं जैसे 1/2 इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है और हम ले लें 1/2 रेज टू पावर माइनस 5 दिस विल बी ग्रेटर देन 1। जैसे ये क्या हो गया आपके पास दिस इज 2 रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 दिस इज इक्वल टू 32 एंड 32 इज ग्रेटर देन क्या हो गया आपका 1। इसी तरह से b अगर ग्रेटर देन 1 है एंड n इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर है तो b रेज टू पावर n आपका ग्रेटर देन 1 होगा एंड b रेज टू पावर माइनस n लेंगे इसकी नेगेटिव पावर लेंगे बिकॉज ये खुद एक से बड़ा है तो b रेज टू पावर माइनस n क्या होगा आपका 1 और 0 के बीच हो 1 और 0 के। ये एग्जांपल लेके देखते हैं जैसे आप क्या करें दिस इज 3 इज ग्रेटर देन 1 है 3 रेज टू पावर 2 लिया दिस इज ग्रेटर देन 1 आ गया लेकिन 3 रेज टू पावर माइनस 2 लेंगे नेगेटिव पावर लेंगे दिस इज इक्वल टू 1/9 एंड दिस विल बी लेस देन क्या होगा 1। तो ये तो जनरल आप काउंटर करते ही हैं कौन सी क्लास से 7th क्लास ऑनवर्ड आप ऐसी स्टडी करते ही हैं। नेक्स्ट देखिए इनइक्वालिटीज को इजी मत समझे, इसको एग्जांपल लेकर के वेरीफाई करें, एग्जांपल्स ले और अपने आप उसको वेरीफाई करें। देखिए नेक्स्ट ये है a इज ग्रेटर देन 1 है एंड x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 मींस दोनों पॉजिटिव नंबर है, x बड़ा है y छोटा है। लोग x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अगर इसका बेस जो हो ग्रेटर देन 1 है, मींस इसके अंदर जो चीज डालेंगे वो बड़ी है तो इसकी वैल्यू भी बड़ी है। मींस log x बेस a विल बी ग्रेटर देन log y बेस a। a ग्रेटर देन 1 है तो इसका log और इसका log लेंगे इनइक्वालिटी वही रहेगी, लेकिन आपको बताया था अगर बेस लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है तो ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। जैसे log 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1
और नीचे वाले जो बेस की पावर है वो आगे आती है वन अपॉन माइनस वन, दिस इज नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, इसमें ये ध्यान रखो, अगर बेस आपका जीरो और वन के बीच है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है मीन्स लॉग डिफाइंड है, एंड लॉग एक्स बेस ए विल बी लेस देन लॉग वाई बेस ए। अगर बेस ग्रेटर देन वन है तो इनइक्वालिटी वही रहेगी, अगर बेस आपका क्या है जीरो और वन के बीच है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी दोनों का। इसी तरह से कोई भी रियल नंबर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जैसे माइनस टू है, माइनस टू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी टू, एंड इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी माइनस, दिस इज क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, उसके मॉडुलस के लेंगे माइनस टू होगी, माइनस टू की टू आ गई। तो ए कोई नंबर है, ए इज लेस देन मॉडुलस ऑफ ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए। सिमिलरली अगर आर कोई ग्रेटर देन जीरो है एंड ए इज एनी नंबर, कोई भी नंबर है, एक्स माइनस ए मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू आर है, आपको ये बात बताई थी एक्स मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होगा। सिमिलरली यहां पर क्या केस ले लिया, मॉडुलस एक्स माइनस ए के लगा हुआ है एंड दिस इज लेस देन आर है तो एक्स लेस देन इक्वल एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू दिस इज आर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आर, दिस इज एक्स ए दोनों तरफ एड कर देंगे, एक्स लेस देन ए प्लस आर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा ए माइनस आर, ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस आर। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ए लेस देन बी है, ए इज लेस देन बी, जैसे क्या ले लिया आपने सिंपल सा एग्जांपल ले लो, टू इज लेस देन थ्री है, तो इनमें सी ऐड कर दिया दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, जैसे मान लो सी की जगह टू ले लो, टू प्लस टू अपॉन थ्री प्लस टू, दिस विल बी ग्रेटर देन ए बाई बी। ए क्या था, ए था आपका दिस इज टू एंड ये था थ्री, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 0.67 एंड दिस इज इसकी वैल्यू क्या हुई 4/5, दिस इज 0.8, ये बड़ा हुआ। ए लेस देन बी है, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी विल बी ग्रेटर देन क्या आ गया आपका ए प्लस बी, ग्रेटर देन ए प्लस बी। सिमिलरली ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी विल बी लेस देन ए अपॉन बी फॉर ऑल सी, क्या होना चाहिए आपके सी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आप इसको एग्जाम्पल लेके खुद वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर है देन ए प्लस वन बाई ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी टू, एंड ए अगर नेगेटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी माइनस टू। ये आपको करके भी बताया था कि क्या होता है, जैसे ए पॉजिटिव है तो ए प्लस वन बाई ए को आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर एंड प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर और माइनस टू प्लस टू, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस टू। ये पॉजिटिव नंबर है या जीरो है तो मींस अगर जीरो से बड़ा है पॉजिटिव आएगा तो टोटल फैक्टर टू से बड़ा हो जाएगा, और अगर ये जीरो है तो टू के इक्वल रहेगा तो टोटल फैक्टर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी टू होगी। सिमिलरली ए अगर नेगेटिव है तो ए प्लस वन बाई ए इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। देखिए जैसे एक्स ए इज इक्वल टू ले लिया आपने टू एंड बी इज इक्वल टू थ्री ले लिया, तो टू प्लस थ्री मॉडुलस, दिस इज टू का मॉडुलस प्लस थ्री का मॉडुलस क्या होगा इक्वल होगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू ले लिया आपने टू एंड सॉरी ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू ले लिया माइनस थ्री, तो ये क्या आ जाएगा क्वेश्चन टू माइनस थ्री का मॉडुलस
और ये है आपका 2 का मॉडुलस एंड प्लस माइनस 3 का मॉडुलस, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 5 आ गया, दिस इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है इसके मॉडुलस से, इसका मॉडुलस कितना हुआ आपका 1 होगा, तो या तो लेस होगा या इसके इक्वल हो सकता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट हमने क्या निकाला कि a प्लस बी मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। इसको मोर जनरलाइज करेंगे तो आपके पास कितने भी एलिमेंट है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश an, इनका मॉडुलस विल बी लेस देन a1 मॉडुलस प्लस a2 मॉडुलस प्लस डैश डैश an, इंडिविजुअल का मॉडुलस निकाल करके जोड़ेंगे वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा इन सब को जोड़ करके उनका मॉडुलस। क्लियर हो गई होगी बात, मेरे ख्याल में एग्जांपल से और एग्जांपल ले सकते हैं आप। इनइक्वालिटीज डोमेन और रेंज निकालने में बहुत हेल्पफुल है, और अपने आप में भी किसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हो तो इनइक्वालिटीज की हेल्प लेते हैं। देखिए आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में, अगर इफ वी हैव a एंड b टू नंबर्स देन देयर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर। अगर आपके पास 3 नंबर है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, अर्थमेटिक मीन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी इज क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ a1, a2, an क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश an सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दो। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके 1/2 पावर ले लो। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a कॉमा b कॉमा c दिस इज ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई करके 1/3 पावर। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1, a2 डैश डैश an क्या आ जाएगा, a1, a2, an सब का मल्टीप्लाई किया रेज टू पावर 1/3, ये ज्योमेट्रिक मीन है एंड दिस इज अर्थमेटिक मीन। तो क्या होता है अर्थमेटिक मीन, अगर हम दो नंबर्स का एक बार देखते हैं, a प्लस बी दिस इज अपॉन 2 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जैसे देखिए अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2, अर्थमेटिक मीन प्लस ज्योमेट्रिक मीन, या अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालते हैं क्या आ जाएगा, दिस इज a प्लस b बाई टू माइनस स्केयर रूट ऑफ a बी आर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, स्केयर क्वांटिटी बना सकते हैं इसकी। जैसे देखिए a प्लस बी माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ a स्केयर रूट ऑफ b अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ a प्लस स्केयर रूट ऑफ b इसका स्केयर एंड इसका स्केयर, a और b रह गए, माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ a स्केयर रूट ऑफ b अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, स्केयर रूट ऑफ a माइनस स्केयर रूट ऑफ b रेज टू पावर 2 अपॉन 2 एंड
ये स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है, या तो ये जीरो के इक्वल होगी अगर ए इज इक्वल टू क्या है बी है, अदरवाइज ये पॉजिटिव होगी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या निकाला आपने, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अर्थमेटिक मीन क्या है यहां पर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये एक इनइक्वालिटी हमारे पास प्रूफ हो गया, इसका इस्तेमाल करेंगे हम बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। दूसरा एक होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, ये होता है कितने नंबर्स है, टू नंबर्स है, टू बाई वन बाई ए प्लस वन बाई बी, दिस इज कॉल्ड टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो हार्मोनिक रिलेशन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, हार्मोनिक, हार्मोनिक। इसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं, दिस इज हार्मोनिक, दिस इज हार्मोनिक। तो पहले केसेस में देखते हैं हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। देखिए ये कहता है कि थीटा इज, थीटा क्या है आपका, लेस देन पाई बाई टू, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू फोर्थ क्वाड्रेंट में। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा प्लस सीकेंट क्यूब थीटा, सीकेंट क्यूब थीटा। हमें यह पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस भी पॉजिटिव होता है, सीकेंट भी पॉजिटिव होता है, एंड सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा प्लस वन अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वही फॉर्म आ गई कि हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है ए एंड ए वन बाई ए है, दोनों का एडिशन है। तो ये क्या होती है इनइक्वालिटी, अगर ए और बी पॉजिटिव है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो यहां पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो क्या पूछा ए, देन मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा प्लस सीकेंट क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या, टू मिनिमम वैल्यू ऑफ। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके इसमें भी यही इनइक्वालिटी, इसको अब हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, वन बाई ए प्लस वन बाई ए दो नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन कितना हो, अर्थमेटिक मीन हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए इनटू वन बाई ए, दिस इज वन, वन का स्क्वायर रूट क्या होता है वन, ए प्लस वन बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन नंबर टू, इफ ए इज ग्रेटर देन वन, बी इज ग्रेटर देन वन, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस ए, मींस इसकी वैल्यू निकालनी, वही बात अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, लॉग बी बेस ए प्लस लॉग ए बेस बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग, दिस इज बी बेस ए लॉग ए बेस बी। अब हमें बेसिस फॉर्मूले से ये पता है कि लॉग ए बी बेस ए को क्या लिखते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। अब इनका बेस अलग हो गया लेकिन दोनों का बेस क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो देखिए दिस इज लॉग बी बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए बेस बी
इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, क्या आ जाएगा इसको क्या लिख देंगे, लॉग बी अपॉन लॉग ए एंड लॉग ए अपॉन लॉग टू अपॉन लॉग लॉग सॉरी बी, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल हो गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या टू आ गया। तो इसकी क्या पूछ रहा था ये, दिस इज मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, दिस इज टू। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ये कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, 9 raised to power x plus 9 raised to power 1 minus x मिनिमम वैल्यू। फाइंड मिनिमम ऑफ दिस, मिनिमम ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स ले लो इसको, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हमें क्या पता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पर अर्थमेटिक 9 raised to power x plus 9 raised to power 1 minus x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 9 raised to power x 9 raised to power 1 minus x। दिस इज 9 raised to power x plus 9 raised to power 1 minus x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इज 9 raised to power x 9 और into 9 raised to power 1 upon 9 raised to power x। ये कैंसिल हो गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 raised to power x plus 9 raised to power 1 minus x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। तो इसके मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 6, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी 2, इसकी मिनिमम वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी 2। सारे इसी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इफ ए बी सी आर द 3 नॉन जीरो नंबर्स ऑफ द सेम साइन, या तो सारे पॉजिटिव हैं या सारे क्या हैं नेगेटिव हैं, देन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, दिस इज ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए लाइज इन द इंटरवल। ये किस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, तो हमें ये पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए अपॉन 3, अर्थमेटिक मीन 3 नंबर्स का लेते हैं, 3 को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तीनों का मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 ले लेंगे, दिस इज ए बाई बी बी बाई सी एंड सी बाई ए रेज टू पावर 1/3, दिस इज ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए, दिस इज 1 का स्क्वायर रूट, एक रियल जरूर होगा 1 के इक्वल होगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 3। तो इंटरवल क्या आ, किस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 3 है, तो इंटरवल क्या हो गया आपका 3 इंक्लूड करके इंफिनिटी तक जाएगी, 3 से लेकर के इसकी वैल्यू क्या हो सकती है इंफिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर फाइव ये कह रहा है इफ ए कॉमा बी आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू वन a into b is equal to 1, then the least value of 1 plus a into 1 plus b, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसके इक्वल आ गया, 1 plus b plus a plus ए बी। अब हमें यहां से ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा 1, तो बी इज इक्वल टू क्या 1/a, दिस इज इक्वल टू 1 plus 1/a plus a plus ये कितना 1 plus 1 कितना हो गया 2 plus a plus 1/a एंड इसकी मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं, दिस इज क्या है, हमें ये पता है कि a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 2, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है 2 होती है, तो क्या आ जाएगा
दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया आपका, दिस इज 4। तो 4 से लीस्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी, लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, अदरवाइज क्या रहेगा, 4 से बड़ी होगी। सिमिलर वे में नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, ये कह रहे हैं इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स देन इसमें कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर दिस इज लेस देन इस फैक्टर के, ग्रेटर देन इक्वल टू इसके, वही सेम फैक्टर है, तो कौन सी इनइक्वालिटी इसमें होल्ड करेगी। देखिए हमें ये पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो ए प्लस बी बाय टू, ए और बी के बीच क्या है, दिस इज अर्थमेटिक मीन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए दिया, क्योंकि दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर, तीन का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/3, फोर नंबर्स का लेंगे तो फोर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/4। तो यहां से देखिए ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, टू ए बी का स्क्वायर रूट। सिमिलर वे में बी प्लस सी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, दिस इज बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, टू स्क्वायर रूट ऑफ बी सी। इसी तरह से सी प्लस ए अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। फर्स्ट कंपोनेंट सभी के जो लेफ्ट हैंड साइड है बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड से बड़ी मिलेगी, राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो यहां से देखो क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, टू ए बी। सिमिलर वे में बी स्केयर प्लस सी स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू बी सी, एंड सी स्केयर प्लस ए स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू ए सी। एड कर दो इनको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या देगा, इनको एड करेंगे ए स्केयर प्लस ए स्केयर, दो बार ए स्केयर, ट्वाइस ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब टू पॉजिटिव है, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं टू, इनइक्वालिटी वही रहेगी, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज द रिजल्ट। तो कौन सा रिजल्ट सही है, फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है। तो ये भी हमने किसे निकाला, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि ए आई इज ग्रेटर देन जीरो, ए आई ग्रेटर देन जीरो मीन्स इफ ए आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर आर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड तक है, मीन्स ए वन भी ग्रेटर देन जीरो है, आई की जगह वन रख दिया, ए टू भी ग्रेटर देन जीरो है, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन इन टू वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू प्लस वन अपॉन ए एन की लिस्ट वैल्यू निकालनी है, लिस्ट वैल्यू निकालनी। देखिए हमें यह पता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब सिर्फ इनके ये ध्यान रख लो, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक तीनों मीन्स, तीनों सीरीज,
तीनों प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में नेक्स्ट आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर होगी। अब देखिए दो नंबर्स है ए बी, इनका अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू, अर्थमेटिक मीन। एंड ए बी का स्क्वायर रूट क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन। एंड टू अपॉन वन बाई ए प्लस वन बाई बी, ये क्या होगा आपका? हार्मोनिक मीन। इसी तरह से तीन है तो उसी फॉर्म में लिख देंगे, ए बी सी की पावर वन बाई थ्री हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री हो जाएगा, एंड ये थ्री अपॉन उनका रेसिप्रोकल का सम नीचे आ जाएगा। तो यहां से देखिए ए वन ए टू सारे पॉजिटिव हैं, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली? यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये जो होगा फर्स्ट टर्म जो होगी इस थर्ड टर्म से बड़ी होगी। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या आ गया? ए वन प्लस ए टू प्लस डैश डैश ए एन अपॉन क्या आ गया? एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, एन टर्म्स है, एन लिया है और नीचे उनका रेसिप्रोकल का सम होता है ए वन प्लस ए टू प्लस डैश डैश वन अपॉन ए एन। ए एन पॉजिटिव है, जीरो के इक्वल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन इंटू ए एन इंटू वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू प्लस डैश डैश वन अपॉन ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एन भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एन का स्क्वायर। तो इसकी लिस्ट में क्या आएगी आपकी? एन स्क्वायर। जैसे ये कह दिया आपको फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी, वेयर ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन जीरो है। तो क्या आ जाएगा? वही है, नंबर्स का सम इंटू उनके रेसिप्रोकल का सम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? एन स्क्वायर। एन क्या है? जितने नंबर्स हैं, यहां पर नंबर्स कितने हैं? थ्री, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? नाइन। तो लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? नाइन। इसी तरह और एग्जांपल कर सकते हैं आप।